go. हमारा होटल ग्रैंड नूर सुल्तान, ठीक है। होटल मतलब ये है एक गेस्ट हाउस। अंदर आप ऐसे जाएंगे तो वो ये सब आपको नज़र आएगा, और यहाँ पर आपको ये एक बरांडा टाइप नज़र आएगा, ठीक है। और इस तरफ ऊपर भी आपको रूम्स मिलेंगे, नीचे भी रूम्स होंगे, ठीक है। जो मैंने रियलिस्टिक पिक्चर्स, हेलो, और ये है जगह जहाँ पे आप बैठ के आराम से अपने खाना नाश्ता करते हो। मुझे ये बैठक की तरीके की जो चीज़ है बहुत अच्छी लगी है, एंड आई थिंक सुबह अगर मौसम अच्छा हुआ हो तो आप यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। सो वी हैव बीन ऑफर्ड उज़्बेकी स्वीट मेलन, और कहा जाता है कि ये बहुत मीठे हैं। सिर्फ ये नहीं, वाटरमेलन, कैंटलूप्स जितने भी हैं वो सब मीठे होते हैं, इस क्योंकि ऑब्वियसली समर्स हैं, तो विल हैव अ टेस्ट ऑफ इट। बिस्मिल्लाह। बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी है पर यूएई टाइप वाली गर्मी नहीं है जो बहुत ज़्यादा हब्स वाली होती है। इट्स ड्राई पर इट्स गुड, और बीच में कुछ ना कुछ कभी ना कभी हवा चल रही है तो यू नो सब मैनेजेबल हो रहा है, पर ये ड्यूरिंग दिस समर वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुदा है, वेलकम टू अनडाइल्यूटेड डायरीज। और अनडाइल्यूटेड डायरीज में आज आपको लेकर चल रही हूँ समरकंद उज़्बेकिस्तान में। आज हमारा पहला दिन है उज़्बेकिस्तान में। हमारा सफ़र शुरू हो गया था रात को, और रात को मतलब 12 बजे हम लोग अपने घर से निकले हैं। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी, सो ऑब्वियसली हमें पहले अबूधाबी पहुंचना, फिर अबूधाबी से फिर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है फ़्लाइट का। अब आपको हर साथ हम लोग को जाने वाले हैं रेगिस्तान स्क्वायर। रेगिस्तान स्क्वायर इज़ द सेंटर ऑफ समरकंद। बेसिकली टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो नाउ वी आर गोइंग देयर। हमारा होटल इधर से सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट की पैदल की दूरी में। सो लेट्स गो। इससे पहले कि हम लोगों और कहीं जाएं, हम लोगों ने कहा कि पहले हम पहुंचते हैं किसी रेस्टोरेंट और वहाँ पर हम लोगों कुछ खाते हैं। तो फिलहाल ये है लगमान समथिंग, और अभी हमारा शाश लेकर आएगा। ये है सीख कबाब। एक सीख कबाब जो है वो कितने, 18,000 सोम की है। सो दीज आर टू, हम लोगों ने उस हिसाब से लिया हुआ है, ठीक है। और उसके साथ हमें मिलता है ये, ठीक है, ये है हमारी मूली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको दिल के साथ गार्निश किया हुआ है। ये जो होटल हम लोग रेस्टोरेंट जो हम लोग आए हैं, ये जस्ट एक रैंडमली चूजन है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को बस रिसर्च कर आए हैं। भूख लगी हुई थी इसलिए। अभी क्योंकि टाइम हो गया है 6:20, तो यहाँ पे पुलाव नहीं है, यहाँ पे समसा नहीं है। सो वो कल आप सुबह 8 बजे आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सो जस्ट कीप इन माइंड कि अगर आप पुलाव और ये सब देखने के लिए आए हैं या खाने के लिए, आपको ये चीज़ें यहाँ पे इस टाइम पर नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये तो घर का सालन है, लिटरली घर का सालन लग रही। नूडल्स के साथ कितने मजे का लग रहा है।
और रेगिस्तान स्क्वायर के अंदर जाने के लिए आपको यहाँ से टिकट लेनी होगी और उसके बाद आप वहाँ जा सकते हैं। ये है हमारी 1,00,000 की दो बंदों की टिकट टू रेगिस्तान स्क्वायर। ये देखें जनाब, मैसिव है ये, माशाल्लाह। और यकीन माने कि कैमरे में आपको इतना नहीं ये दिखेगा कि इसकी जाइगेंटिक ये जो मॉन्यूमेंट है या जो इसको ये जो पूरा आर्किटेक्ट है, ये जो आपको आंखों के सामने नज़र आएगा ना, यू आर लिविंग दैट टाइम, जिस टाइम पे तैमूर डायनेस्टी थी यहाँ पे, यू आर लिविंग दैट राइट नाउ एंड इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। मेरी नज़र नहीं हट रही इन चीज़ों से, इसकी एक एक चीज़, जो भी इनकी छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं, जो यू नो कलर स्कीम है, सब सब नज़र ही नहीं हट रही। काफ़ी अर्सा पहले जब ये इसका रिस्टोरेशन का काम हो रहा था, आप ये देखें ये जो मीनारत है ये काफ़ी लीन हो रहा था, तो ये अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इसके ऊपर काफ़ी काम कुछ हुआ है, ये देखें बहुत सारा। अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं उलुगबेक मदरसा, ये है रेगिस्तान स्क्वायर के अंदर। आप आ गए हैं उलुगबेक मदरसा के तरफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है सनडायल, ठीक है, जबरदस्त। ये इसका टेबल है, या कन्वर्शन करनी होगी, आप कैसे इस सनडायल को आप रीड कर सकते हैं, इसके पूरे आपकी डिटेल्स हैं। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना एरिया, ये है उलुगबेक मदरसा। पहले रिलीजियस टीचिंग्स की जाती थी, अब जो हो गया है आपको मैक्सिमम हर दरवाजे के पीछे एक सुवेनियर शॉप ही नज़र आएगी, जैसे ये है, फिर ये है, फिर उसके बाद मेरे इस तरफ भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो यू विल बी फाइंडिंग लॉट्स ऑफ सुवेनियर शॉप्स नाउ। पर पहले तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये प्रॉपर मदरसास होते थे। ये है कुरान, ये है मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ होली कुरान ऑन समरकंद पेपर इन द स्टाइल ऑफ राइटिंग फुल्स ऑफ अरबिक अल्फाबेट्स। ये देखिए कितनी बड़ी है, माशाल्लाह। सिक्सटी सेंटीमीटर बाई 80 सेंटीमीटर, बहुत बड़ी है माशाल्लाह। जी जान, अभी इन लोगों ने इसको कलर कर दिया है और ऑब्वियसली इसको रिस्टोर किया है, पर एक्चुअली दिस वाज हाउ इट यूज्ड टू बी पहले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शैंडलियर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीलिंग। अगर आप लोगों मेरी तरह हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पे आके आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ख़ासतौर पर ये रेगिस्तान स्क्वायर के बारे में कि यहाँ पे किस तरीके से लोग मुख्तलिफ मुल्कों से आते थे और यहाँ पे आके कारोबार करते थे, और यहाँ के जो अपने लोग होते थे अपनी क्राफ्टमैनशिप दिखाते थे और यहाँ पे वो अपनी बनाई हुई चीज़ों को बेचते थे, और लोग बहुत दूर दूर से आके यहाँ से चीज़ें लेते थे। उसके बाद फिर ये मदरसा किस तरीके से आगे बढ़ा है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो लाइब्रेरी बनी थी, ये पूरी जो है जगह आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएगा। ये जो पीछे आप देख रहे हैं एक्चुअली ये दिखाया हुआ है, या ये बेसिकली जो पूरा सेक्शन है ये है एस्ट्रोनॉमी का सेक्शन। कितने सारे लोगों ने साइंस और एस्ट्रोनॉमी दोनों में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी हुई है, और इसमें से मैं आपको दिखाती हूँ उलुगबेक, आपको दिखाती हूँ मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये है मिर्ज़ा उलुगबेक, वन ऑफ द फेमस स्कॉलर्स, और उनके ही नाम पर ही ये वाला मदरसा बना हुआ है, और ये हैं इनके दो अप्रेंटिसेस जिनके साथ देते थे। मेरी एक क्विक ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे है वो ये है जनाब,
कि इधर पर आपको अभी भी बहुत कम टूरिस्ट नजर आएंगे. आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे, पर जैसे जॉर्जिया, अजरबैजान, अल्बेनिया, जहाँ पे हम जाते हैं और बहुत सारे आप टूरिस्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको फिर भी कंपेरेटिवली बहुत कम नजर आएंगे लोग. इनफैक्ट रेगिस्तान स्क्वायर के अंदर हम लोगों ने मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ के लोकल्स को देखा है, बनस्पत हम मोस्टली जो हम टूरिस्ट लोग हैं. यार सीरियसली मुझे ना लगता है कि हम लोगों ने, हम जो पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं, हम लोगों ने शायद बहुत कुछ इंस्पिरेशन काफ़ी जगहों से लिए, बिकॉज दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ मैनी प्लेसेस इन पाकिस्तान एंड इंडिया दैट आई हैव सीन. इंडिया की तो चीज़ें चलो मैंने जो मूवीज़ में देखी हैं, पर मैंने ऐसा कुछ बहुत कुछ पाकिस्तान में भी देखा हुआ है. अब जो हम जिस बिल्डिंग में आए हैं उसका नाम है तिलकोरी मदरसा. जो इससे पहले था वो है उलग बेग मदरसा, ठीक है. और इस मदरसा से अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा ये रेगिस्तान स्क्वायर नज़र आएगा, ठीक है. और ये है पूरा मदरसा तिलकोरी का, ठीक है. मतलब उसकी एंट्रेंस है जो ऊपर से ऐसे दिख रही है, एंड देन व्हेन यू गो डाउन ऑन योर राइट साइड दैट्स द एंट्रेंस एंड यू गो इनसाइड. आज की वीडियो मैं यहीं तक ख़त्म करती हूँ. मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और उज़्बेकिस्तान के बारे में और मज़ीद जानने के लिए मेरी अगली वीडियो तक ज़रूर वेट करिएगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.